यो मैं हूँ सर भाई। आज मेरे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। ये भाई 9.5 लाख रुपए का इसका वेरिएंट आता है। ये ना इसका बेस मॉडल है, और बेस मॉडल आपको दिखाता हूँ इसमें कैसा मिलता है, जो अपना मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। अभी ना भाई ये जो गाड़ी है इसमें बहुत मॉडिफिकेशन हो गए, जैसे कि स्टेयरिंग व्हील चेंज हो रखा है, स्टीरियो गियर नॉब के ऊपर का चेंज हो रखा पूरा। तो चेंज देखो बहुत सारे हो रखे इसके अंदर, बता दो क्या कुछ अपने चेंजेस वगैरह करवा रखे हैं। सबसे पहले अगर आप गाड़ी का कलर देखते हो ना भाई, ये इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में ये कलर चल रहा है, बहुत लोग ले रहे भाई कलर, और सही भी लगता है। देखो अगर देखते हैं ना, यहाँ से थोड़ा हल्का सा ब्लू ब्लू सी शेड और ग्रे थोड़ा ऐसा है। और अगर सी बूट्स पे आपको दिखाता हूँ मैं, सीएनजी के अंदर भाई ये गाड़ी यहाँ से ऐसे करके सी बूट खुला था, और भाई स्पेस देख लो ये तो चलो इसमें ये स्टीरियो ये लगा रखे बेस टू की। अगर आप कटिंग भी देखोगे ना, देखना एकदम प्रोफेशनली तरीके से पूरी कटिंग करवा रखी। देखो आप यहाँ से देखोगे पूरी बढ़िया से। लेकिन स्पेयर व्हील देखो पूरा अपना पैक करके दे रखा है मारुति ने, और ऐसा अपना सिलेंडर मिल जाता है 12 kg का। सही है, 12 से 14 kg का अगर अपना सिलेंडर देती है मारुति तो सही है। इसमें यहाँ पे इसमें एक बटन मिल जाता है जो रिक्वेस्ट सेंसर होता है डिग्गी ओपन करने के लिए। बाकी नीचे अपने यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, 2 लाइट मिलते हैं नंबर प्लेट की। यहाँ पे अपनी इसकी फ्रॉन्क से आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और इसकी जो टेल लाइट देखते हो ना भाई, ये भी अपनी अच्छी लगती है। अब तो देखो मार्केट में इतनी सारी आ गई, जैसे कि अपनी पूरी कनेक्टेड अपनी आ गई है, पूरी बढ़िया अपनी दे दी आपकी बार तो। लेकिन वैसे पहले पहले जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस टाइम पे ऐसी नहीं आती थी। बाकी नीचे अपने रिफ्लेक्टर की दे रखी है, आफ्टर मार्केट जाओगे इसमें भी अपनी एलईडी लग जाती है, सब काम होते हैं भाई आफ्टर मार्केट में। 4 पार्किंग सेंसर दे रखे बेस मॉडल में, और यहाँ पे अपना भाई आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है एलईडी में। और भाई अगर इसके टायर साइज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको इसमें मिल जाता है ऐसे टायर जो अपने गुडियर के मिल जाते हैं। ये अपने 16 इंच के आपको इसके अंदर स्टील रिम देखने को मिलता है, जैसे गाड़ी बहुत ज्यादा ऊंची बना रखी है एक तरीके से ना, मतलब ये ना हैचबैक है ना ही एसयूवी है, बीच किसी अपनी इसकी सेगमेंट बना रखे, जिस वजह से ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे बहुत ऊंची आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इसमें क्रोम डोर हैंडल लगवा रखे, वैसे मारुति ऐसे देखोगे पूरे ब्लैक आते हैं भाई। रियर साइड से देख लो गाड़ी ऐसी अपनी मिलती है। अब इसमें ना सीट कवर वगैरह कुछ नहीं लग रखे, नॉर्मल सीट आप देख लो, फैब्रिक की सीट है, लेकिन ना प्रीमियम तो देखो है अभी। जैसे अपना ऐसे ब्राउन हो गया, ये ब्राउन ब्राउन सी अपनी शेड है, ऐसे अपना इस साइड से हो गया, तो कलर मैच देखो बहुत अच्छा कर रखा है मारुति ने इस बार इसमें। और सीट के पीछे आपको पॉकेट देखने को नहीं मिलती है, ये रिसीवमेंट्स दे रखे हैं। और डैशबोर्ड अगर आप देखोगे ऐसा अपने डैशबोर्ड मिलता है इसमें भाई, ठीक है यार एक तरीके से ना बढ़िया बना रखे है। और रियर की साइड बेस मॉडल में 3 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में। यहाँ पे इसमें पावर विंडो दे रखे हैं चारों, स्पीकर वगैरह भी अच्छे लगवा रखे हैं। अभी और गाड़ी को ना फ्रंट से आपको दिखाता हूँ कैसी है भाई। ये देखो फ्रंट से भाई ऐसी लगती है देखने में। यहाँ पे इसमें पूरी इस साइड अपनी एलईडी दे रखी है, या इसमें इंडिकेटर, नीचे एलईडी, इसमें प्रोजेक्टर दे रखा है, प्रोजेक्टर में से आती तो हेलोजन ये इसमें यहाँ पे और यहाँ पर भी, लेकिन एलईडी लगवा रखी है। यहाँ पे इसमें ग्रे मिल जाते हैं, क्रोम की थोड़े से एसेंस मिल जाते हैं, सुजुकी का लोगो मिलता है बड़ा सा। और यहाँ नीचे आप देखोगे स्किड प्लेट दे रखी है मैट फिनिश में, उसी के ऊपर मैट फिनिश अपनी ग्रिल दे रखी है। और लाइटिंग वगैरह देखोगे ना सही तो लगती है देखना, पूरी बढ़िया एकदम देखने में। बोनेट की डिजाइनिंग भी भाई काफी अच्छी करके मारुति में, बिल्ड क्वालिटी ठीक लगती है, ज्यादा कह नहीं सकते। बाकी एक बार ना आपको अंदर से दिखाता हूं भाई ड्राइवर साइड से क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं। सबसे पहले भाई इसमें 4 पावर विंडो दे रखे मारुति ने, ये काम सही लगा। और यहाँ से आप इसकी सीट पूरी पीछे कर दोगे ना, और अगर जब स्पेस देखोगे तो इतना स्पेस बचता है, मतलब स्पेस के मामले में कहीं ना कहीं अब भी थोड़ी कमी। और नीचे अपना 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी दे रखा है, जो कि इन्फ्लेटर वगैरह लगाते तो काम आता है। यहाँ पे इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, सीएनजी पेट्रोल स्विच करने का, हेडलैम्प लेवलर, 3 पेडल मिल जाते हैं जैसे गाड़ी अपनी है ये। यहाँ से इसका हम बोनेट ओपन कर सकते हैं। बोनेट ओपन करने के बाद भी इसके अंदर आपको ऐसे इंजन भी देखने को मिलेगा, यहाँ से हुड तो यार देखो हल्का ही है वैसे इसमें, बाकी ठीक है। यहाँ पे इसमें इंसुलेशन देखो, और ये इसका इंजन है भाई देखो। देखो पैकेजिंग तो काफी अच्छी करके, जब आप नीचे मेटल की शीट वगैरह देखते हो, यहाँ पे बैटरी वगैरह आपको अच्छी मिल जाती है देखने में, और सही है देखो पूरा बेस था दे रखा है इसमें। कवर सब में देखो, और यहाँ पे देखो ना ये साइड में वेंट्स दे रखे हैं, ये इसके गाड़ी के एयर डायनेमिक्स अच्छे करने के लिए दे रखे हैं। 2 वाइपर दे रखे हैं, कोई सनरूफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ एक चीज अच्छी है बेस मॉडल से आपको इसके अंदर ये दे रखी है रूफ रेल्स। अभी गाड़ी के अंदर एक बार आ जाते हैं ना, तो भाई ऐसा अपना स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जो अपना मारुति का लोगो मिल जाता है, और हॉर्न आपको ऐसा मिलता है बेस मॉडल में। यहाँ इसमें भाई 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। एक बार कैमरे की क्वालिटी दिखा दूं भाई मैं, हाँ भाई की देख लो यार,
ये आज भी मारुति भाई की देती है जो आज से कितने, और देखो क्वालिटी दिखाओ ना, ये देखो ये क्वालिटी मारुति की, तो यार क्वालिटी थोड़ी है। और ना यार आवाज कम कर देते, हाँ अब देखो ऐसा इसमें स्टीरियो लगवा रखा है, बेस मॉडल में एकदम बिल्कुल खाली आता है, इसे पता नहीं यार क्या ही ले रखा है, लेकिन हाँ इसमें स्टीरियो लगने के बाद गाड़ी काफी अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पे ना पूरा प्लास्टिक दे रखा है, ये चीज अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा फील होगा। देखो ठीक है यार क्वालिटी, ये नहीं कह सकते ज्यादा एकदम अच्छी मिल गई, लेकिन ठीक है एक तरीके से। बाकी स्टेयरिंग व्हील अगर आप यहाँ पे देखोगे पूरे इसमें माउंटेड कंट्रोल वगैरह लगा रखे, क्योंकि स्टेयरिंग व्हील ही चेंज हो रखा है, रैप्ड वाला जो अपना था टॉप मॉडल का स्टेयरिंग व्हील लगा रखा। और स्टेयरिंग की अगर बताऊं आपको भाई, ये अपना टिल्ट एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, इसमें ऐसा क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि भाई सही है यार। मारुति ने पहले अपनी गाड़ी में ना क्लस्टर ऐसे देती थी जैसे बेस मॉडल में, पता नहीं कितने पुराने जमाने के हो, और एवरेज रेंज मतलब फीचर अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पे इसमें ना एक और चीज आपको बताऊं भाई, बेस मॉडल में ना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मारुति ऑफर कर रही है भाई, इतनी बढ़िया बात है। और यहाँ पे बैक कैमरे के ऊपर क्वालिटी दिखा रहा था मैं आपको, ये देखो आफ्टर मार्केट कैमरे की क्वालिटी ठीक है, बढ़िया है। बाकी ना एक और चीज मैंने देखी, जैसे कि यहाँ पे आप पैडल देखते हो ना, इसके पैडल की डिजाइनिंग देखो रेस वाले की, यहाँ पे देखो आपको ना डबल डबल से देखने को मिलता है, जो कि ठीक है थोड़ा हैवी हैवी सा पैडल लग रहा है। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है जिसमें चार्जर लगा रखा है। यहाँ पे अगर आप टॉप मॉडल लेते हो इसमें ऑक्स और यूएसबी का आपको दोनों के पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ दो कप होल्डर की स्पेस मिलती है, सेट अपने इसका ग्लो बॉक्स मिल जाता है छोटा सा। और भाई ठीक है, इस साइड अगर आप वाइजर देखोगे बिल्कुल प्लेन है, इस साइड वाले पे भी प्लेन है यार, वैनिटी मिरर होना चाहिए था। यहाँ पे IRM D8 अपना मिल जाता है मैनुअल में, और बाकी सीटिंग वगैरह भी देखो सही है, फैब्रिक वगैरह अच्छा दे रखा है गाड़ी में। और ना यहाँ पे देखोगे स्पेसिंग वगैरह भी अच्छी दे रखी है गाड़ी में, मतलब सही है पूरा बढ़िया काम कर रखा है CNG के लिए। यहाँ पे साइड में सेफ्टी वार्निंग भी दे रखी है भाई, अगर आप किसी को मतलब पता करना हो कैसे इसमें CNG का रहता है मारुति में, इसमें SCNG करके आता है। और गाड़ी में जैसे आप यहाँ पे ब्लू ब्लू से देख रहे हो, हाइब्रिड नहीं है भाई ये नॉर्मल है, लेकिन देखने में सकते हैं हाइब्रिड हो। बाकी यार सही है, देखना फ्रोंक्स वगैरह अपनी चला के देख रहे हैं, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स तो अपनी CNG के अंदर आते हैं कंपनी फिटेड। देखो चलाने वाली से गाड़ी अपनी अच्छी मिल जाती है, इसमें ना बस थोड़ा सा ये कोई बंदा अगर XUV रख रहा है ना डीजल में तो उसके मुकाबले इसमें पिकअप की कमी लगती है। बाकी अगर कोई नॉर्मल बंदा अगर फर्स्ट गाड़ी लेता है कि फ्रोंक्स लेता है तो उसको तो फिर भी ठीक लगेगी, लेकिन किसी के पास अगर डीजल गाड़ी है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत मिल सकती है आपको इसमें। बाकी ना यार फ्रोंक्स सही है, देखो लुक्स वाइज देखोगे इसकी मेन ना जितनी ऊंची गाड़ी बना दी वो अच्छी है, ये बलेनो से थोड़ी सी ऊपर और ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी नीचे, बीच की से अपनी गाड़ी बना दी है जो फ्रंट से और पीछे से थोड़ी अलग है। बाकी इंटीरियर अगर आप देखोगे वही मिलता है इसमें जो अपना बलेनो में मिलता है, ब्रेजा सब में मतलब यही इंटीरियर दे रही है मारुति। ठीक है यार पावर वाइज अगर देखोगे ना इतना वो नहीं है, सस्पेंशन में अच्छी मिलती है इसमें। और सही है माइलेज वगैरह कितनी देती है भाई ये, फिर भी अराउंड 25 से 28 तक की माइलेज इसमें दे रखी है भाई मारुति ने, भाई बढ़िया मिलती है इसमें माइलेज वगैरह भी अपनी है। इसका हाइब्रिड आता है भाई शायद है ना, इसका हाइब्रिड नहीं आता इसका, अच्छा ग्रैंड विटारा वगैरह में आता है। और भाई सही है वैसे फ्रोंक्स वगैरह अपनी, भाई ग्रैंड विटारा मतलब लेना ले क्यों नहीं फिर, ग्रैंड विटारा फ्रोंक्स ही लिया तो एवरेज के ऊपर ही लिया मैंने तो, ग्रैंड विटारा के एवरेज 20 बोल रहे हैं इसके 28। अच्छा थोड़ा एवरेज का वो था, एवरेज का था पेमेंट का भी 5 लाख महंगी इससे। हाँ और बाकी भाई ठीक है, देखो स्पेस वगैरह देखो डैशबोर्ड वगैरह की 1200 cc इंजन है, 1200 cc का इंजन है 4 सिलेंडर। देखो अल्ट्रोस से तो अच्छी है वैसे, अल्ट्रोस तो वैसे इसका सेगमेंट है नहीं, इसका सेगमेंट अपना अलग जगह आता है, अल्ट्रोस का सेगमेंट अपना आता है वैसा जो बलेनो वगैरह हो गई। ये ना एक तरीके से भाई सही बना रखे, जैसे किसी बंदे को थोड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए कि हाँ मर्दन टेस्टिंग के लिए सेफ्टी रेटिंग के लिए सेंड किया। हाँ और सीट जो है इसकी सीट मेटल पार्ट्स में सीट बॉडी वो हैवी
सही बात है। पहले एक तो वो थी जो बलेनो और स्विफ्ट, तो भाई बहुत हल्की गाड़ी इनकी, थोड़ी जुड़ी जुड़ी सी लगती हो ना ये, इसमें अलॉय वगैरह अगर लगवा लेते हैं तो भाई एकदम ना थोड़ी गैंगस्टर गैंगस्टर सी अपनी गाड़ी लगती है। ठीक है भाई, वैसे ओवरऑल अगर आप इसको देखते हो फ्रोंक्स को, देखो ऑटोमेटिक में तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैनुअल इसका ज्यादा अच्छा लगा मेरे को चलाने वाइज। सो ये थी इसकी आज की वीडियो, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स जो अपनी इसका बेस मॉडल आता है सीएनजी के अंदर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।